एलोप्रेक्स 10 mg टेबलेट कहाँ पर यूज़ की जाती है, किस तरीके से काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, संपूर्ण रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों एलोप्रेक्स 10 mg टेबलेट एरिना लाइफ साइंस कंपनी का प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। इसके अंदर सोल्ट डाला गया है एसिटालोप्राम 10 mg। दोस्तों ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, सेल्फ यूज मत कीजिएगा। दोस्तों ये एंजाइटी डिसऑर्डर में डॉक्टर देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है ये। एंजाइटी की दिक्कत है, मानसिक रोग हो गया है व्यक्ति में, पागलपन बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, गाली गलौज कर रहा है, समझ नहीं पाता, अपने आप नुकसान पहुंचा रहा है, वहाँ पर डॉक्टर ये दे सकते हैं एंजाइटी से बाहर लाने के लिए। साथ ये भी दोस्तों स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी डॉक्टर दे सकते हैं, रात को अगर पूरी पूरा जगह रहता है, नींद पूरी नहीं आती, परेशान रहता है, वहाँ पर भी दे सकते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, इसको लेने के बाद ये कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जैसे कि ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन दोस्तों मूड को बेहतर बनाता है, मूड को पॉजिटिव थॉट्स में बदलता है, वह खुश रखता है मूड को। तो वहाँ पर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाकर ये काम करती है ताकि व्यक्ति के मूड में सुधार आ सके। मूड अच्छा रहेगा तो अपने आप ही डिप्रेशन से बाहर आने लगेगा। डोज की बात करें, एक टेबलेट ले सकते हैं 10 mg की, मैक्सिमम 2 ले सकते हैं सुबह शाम। देखिए इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी गला सूख सकता है लेने के बाद, वोमिटिंग या सर दर्द हो सकता है, सर भारी भी हो सकता है, कब्जी की दिक्कत हो सकती है, ये इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट है जो अपने आप ठीक हो जाती है, बहुत ही कम चांस में दिखाई देती है। इसकी सावधानी है, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, एल्कोहल के साथ इसका यूज मत कीजिएगा, गाड़ी चलाते समय इसकी डोज मत लीजिएगा, ये इसकी सावधानी है। वैसे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, इन सावधानियों का ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएगा और कौन सी मेडिसिन भी आपको वीडियो देखना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत